नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम बच्चों के जो दांत निकलते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि माँ को, बच्चे की माँ को ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों के दांत बड़े ही आसानी से निकल आएं और बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो पेरेंट्स, बच्चों के दांत निकलते समय बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, वो हम लोग जान नहीं पाते हैं और जो नई माताएं हैं उनको मालूम नहीं है। तो इस कारण से बच्चे बहुत ही ज़्यादा, बच्चों को फीवर है और ये तो आने ही लगता है, फीवर है, दस्त है, उल्टियाँ होने लगती हैं, फीवर आ जाता है बच्चों को। तो बच्चे बहुत ही, जब दांत निकलते हैं तो मसूड़े को फाड़ करके दांत निकलते हैं तो बच्चे को बहुत ही दर्द होता है और बच्चा बहुत ही दुबला पतला हो जाता है दांत निकलने के। बच्चे को तकलीफ ना हो ज़्यादा और आसानी से बच्चे के दांत निकल आए, तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माँ को ऐसा क्या करना है कि बच्चे के बिल्कुल आसानी से दांत, माँ को पता भी नहीं चलेगा और आसानी से बच्चे के दांत निकल आएंगे। तो पेरेंट्स, माँ को क्या करना है कि जब बच्चे के पता ही चल जाता है कि जब बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं तो माँ को पता ही चल जाता है कि जैसे नई अभी मॉम बनी हुई हैं तो उनको नहीं मालूम होता है, फिर भी वीडियो में बताया जा रहा है कि जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तो वो उंगली भरने लगता है, उसकी लार निकलने लगती है। बच्चे के ऐसे बहुत से वो हैं कि जिससे जानकारी मिल जाती है कि शायद इसके दांत ही निकल रहे हैं। तो उस समय माँ को क्या करना चाहिए कि माँ को अपनी उंगली बच्चों के दांत में बिल्कुल भी मुँह में नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है हमारा कि हम लोगों के बच्चों के दांत बड़े आराम से, बड़े इतनी मतलब परेशानी बच्चों को नहीं होती थी, थोड़ी बहुत तो होती ही है परेशानी, लेकिन इतनी परेशानी नहीं होती थी कि बच्चा बिल्कुल दुबला हो जाए और बच्चा पहचान में ना आए कि वो ही बच्चा था। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो माँ को क्या करना है कि माँ को उसके मुँह में उंगली डाल करके नहीं देखना है माँ को, और आप दूसरे से दिखवा सकती हैं। जैसे कि ये बहुत शुभ होता है, जैसे कि बच्चे की अगर बुआ घर में है या कुंवारी है, या मतलब कुंवारी ही और ये शादीशुदा है घर में अगर हैं, तो बुआ को आप उंगली डाल करके, बुआ उंगली डाल करके देखें कि क्या बच्चे के मसूड़े फूले हुए हैं और बच्चों के दांत निकल रहे हैं। और माँ को बच्चे के दांत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ देखेगी तो बच्चे को बहुत ही परेशानी होती है, माँ के हाथ डालने से और देखने से बहुत ही परेशानी बच्चे को होती है। इसलिए आप जो घर में, अगर बुआ नहीं है तो जो घर में सदस्य हैं, जैसे चाची हैं, दादी हैं बच्चे की, तो आप उनसे दिखवा सकती हैं कि मतलब इसके बच्चे के मसूड़े फूले हैं या बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो वो लोग देख करके आपको बता सकती हैं। लेकिन आपको नहीं देखना है, ये बहुत ही बड़ा नुस्खा और बहुत ही सही नुस्खा है कि जो अगर आप ये नहीं करेंगी तो आप ट्राई कर लीजिए कि बच्चे के जो दांत हैं बड़े आसानी और बड़ी ही सरलता से निकलेंगे और बहुत ही सुंदर दांत निकलेंगे। लेकिन आपको वो चीज़ें देना है कि जो जैसे कि वो ग्राइंड बाटर है, जो चीज़ आप दे रही हो, लगा रही हो, तो वो भी दूसरे के हाथ से आपको लगवाना है, क्योंकि अगर आप लगाएंगी तो आपकी तो उंगली उसमें चली ही जाएगी। इसलिए आपको उंगली से, दूसरे की उंगली से ही साफ सुथरी उंगली होनी चाहिए, उससे आप दूसरे लोगों से बच्चे के अंदर दांत में, मसूड़ों में लगवाएं। और पेरेंट्स, बच्चों के दांत में आपको क्या लगाना है, जो किशमिश होती है, किशमिश मीठी होती है, किशमिश का जो अंदर का गूदा होता है वो निकाल करके और उसमें थोड़ी सी शहद मिला करके उसको घेंप लें, और घेंपने के बाद में बच्चे को उंगली से, दूसरे की उंगली से उसी शहद और किशमिश का वो निकाल करके बराबर करके उसको मिला करके बच्चों के मसूड़ों में उसी को लगाएं, बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल आसानी से बच्चे के दांत निकल आएंगे। डियर पेरेंट्स, इसको लगाने से, बच्चों के मसूड़ों में लगाने से इसमें दर्द तो होगा थोड़ा ही बहुत, लेकिन ज़्यादा दर्द बच्चे के, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, बच्चे के दांत आसानी से थोड़े से ही दर्द में निकल आएंगे। बच्चा ज़्यादा हड़बड़ाएगा नहीं, ज़्यादा बच्चा रोएगा नहीं, ज़्यादा बच्चा परेशान नहीं करेगा, ज़्यादा बच्चा पोल्टी वगैरह जो करता रहा है, दस्त बच्चे को आ जाते हैं और फीवर आ जाता है, तो वो हल्का फुल्का भले ही हो लेकिन इतना ज़्यादा बच्चा परेशान नहीं होगा और सही से दांत बच्चे के निकल आएंगे। तो जो नई माताएं, नई मॉम बनने जा रही हैं या बन चुकी हैं, बच्चा है 2-3 महीने का,
तो उनको, उन माताओं को, बच्चों को इस बारे में, दांत के बारे में नहीं मालूम होगा। जो पुराने बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको मालूम है कि ये शिक्षा जो है, हमको बूढ़े बुजुर्गों से ही अच्छी शिक्षा मिलती है, तो ये उन्हीं की शिक्षा है, उन्हीं की देन है। और इस चीज़ को करने से सही में सच है कि बच्चे को दर्द और परेशानी नहीं मिलती है। जैसे कि आपने सुना होगा, जब गर्भ में बच्चा होता है और दिनों सहित का होता है, तो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि देखो, दर्द हो तो ज़्यादा जोर चिल्लाना नहीं, सभी को बताना नहीं, और उस दर्द को थोड़ा सहती रहना नहीं। अगर आप बताएंगी दूसरों से, दूसरे लोग जानेंगे, तो वो दर्द दुगना बढ़ जाता है। ऐसा ही दांत के बारे में है कि अगर आप बच्चे को उंगली डाल के देखेंगी, तो बच्चे के जो पेन है, दर्द है, और जो बच्चे को तकलीफ़ है, वो दुगनी हो जाएगी। अगर आप दूसरे से करवाएंगी तो बच्चे को होगा तो बच्चे को होगी तो तकलीफ, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी और बच्चे के आसानी से दांत निकल आएंगे। डियर पेरेंट्स, इसी तरीके से आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और उनके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। डियर पेरेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे बच्चों से ये जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और दूसरों में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ये दूसरों के पास पहुँचे, और दूसरों को भी ये अच्छी जो बातें, जानकारी बच्चों को मिलें, बच्चों की जानकारी माताओं को मिले।